नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका clips.in में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रायपुर पुलिस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। महिला सशक्तिकरण और आत्मरक्षा के लिए रैली निकाली जाएगी, जिसमें 15,000 महिलाएं शामिल होगी। वहीं रायपुर पुलिस सियान की मदद से वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देने चौक चौराहे पर नया प्रयोग कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता हर्षित शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी में यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। वर्तमान में जारी चलानी कार्यवाही के बाद अब एक नया प्रयोग रायपुर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। अब चौक चौराहे पर वाहन चालकों को नियम समझाने के लिए सियान खड़े रहेंगे। आरक्षक सियान के रूप में चौक चौराहे पर खड़े रहेंगे। रायपुर पुलिस का मानना है कि छत्तीसगढ़ में सियान की भूमिका महत्वपूर्ण होने से लोगों में कुछ परिवर्तन तो जरूर आएगा। इसके साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजधानी के तेलीबांधा तालाब से जयस्तंभ चौक तक 15,000 महिलाएं रैली निकालेंगी। इस रैली से महिलाएं सशक्तिकरण और आत्मरक्षा का संदेश दिया जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर पुलिस द्वारा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में एक मरीन ड्राइव से जयस्तंभ तक एक यात्रा आयोजित की है, जिसमें लगभग शहर की 15,000 महिलाएं शामिल होंगी, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं भी रहेंगे। और इसमें महिला जागरूकता को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके और महिला की आत्मरक्षा को लेके उनके हाथ में सभी पास स्लोगन रहेंगे। उनको कुछ हमारी रक्षा टीम द्वारा महिलाओं को सुरक्षा से संबंधित कुछ जानकारी भी दी जाएगी, जो कि प्रातः 7 बजे मरीन ड्राइव से प्रारंभ होके जयस्तंभ तक जाएगी और जयस्तंभ से वापस आएगी। अभी रायपुर पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसमें कुछ दिन पहले रायपुर शहर में हर एड हेलमेट अभियान चलाया गया था, जिसमें तकरीबन 25,000 हेलमेट रायपुर शहरवासियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसी कार्यक्रम में भी लगभग शहर के प्रमुख 10 चौक चौराहों पर ट्रैफिक की चेकिंग पॉइंट लगाया गया। तब भी अभी कुछ हम लोगों को कमी महसूस हो रही थी। इसी के मद्देनज़र आप लोगों को सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में सियान की भूमिका हर घर में महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम लोग घर के मुखिया बोलते हैं। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट के रूप में शहर के प्रमुख चौक चौराहों में अभी फिलहाल 4 सियान की भूमिका में हम लोग वहाँ पे रखेंगे। उन लोग ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी देंगे, ताकि यहाँ के जो आम नागरिक हैं इनकी बातों को निश्चित ही गौर करेंगे, क्योंकि लोग सियान की भूमिका में रहेंगे। और इसके चलते आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, हम लोगों ने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी अवाथों करके एक अभियान चलाया हुआ था लाठी लेके। तो निश्चित ही जो सियान की भूमिका है इस छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण है, इसी को थीम लेके रायपुर पुलिस द्वारा भी सियान की भूमिका में ट्रैफिक कंट्रोल की एक अभिनय योजना प्रारंभ की जा रही है। निश्चित ही इसमें अभी आप लोगों ने देखा होगा कि तकरीबन रोड में अब 60-65% लोग हेलमेट वेयर करके दिख रहे हैं। निश्चित ही आगे चल के अगर ये अभियान अच्छा रहा तो 90% तक लोग हेलमेट वेयर करेंगे और ये काफ़ी बड़ी सफलता होगी। आप लोगों को सभी को पता है, जितने भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, पूरे मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो भी एक्सीडेंट हो उसमें आप कॉज ऑफ डेथ पे जाएंगे तो उसमें देखेंगे आप ड्यू टू हेड इंजुरी है, तो हेड मतलब सर में आई चोट की वजह से मौत हुई। तो निश्चित ही अगर कोई हेलमेट पहन के अगर गाड़ी चलाएंगे टू व्हील में, तो निश्चित अगर मान लो एक्सीडेंट होता भी है तो सर सुरक्षित रहेगा और उसकी मौत की संभावना लगभग नगण रहेगी। तो निश्चित ही बहुत बड़ी योजना है और इसमें हर किसी को आगे आके इसका पालन करना चाहिए, ताकि कोई भी गंभीर दुर्घटना से बच सके। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ हर्षित शर्मा की रिपोर्ट, clips.in। फॉर इंफॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।